Hello everyone! वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज इज अबाउट दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग गोइंग टू सॉल्व नाउ सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो हमने बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीख लिया है अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं वहां से आप वो वीडियो को चेक कर सकते हैं सो so, आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग काफी इजी है लेकिन उतना ही कैलकुलेटिव भी है सो वी नीड टू लर्न रिलेटेड टू देखें तो क्वेश्चन इज मिस्टर अनुज होल्ड्स फाइव हंड्रेड सिक्स परसेंट डिवेंचर्स ऑफ हंड्रेड इच एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज फोर्टी एट थाउजेंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन थर्टी एट जून एंड थर्टी फर्स्ट डिसंबर एवरी ईयर सो so, फिलहाल हम आज जो पहले सेशन में बात करेंगे वी आर ओनली गोइंग टू सॉल्व ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स इंटरेस्ट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी कम इंटरेस्ट पॉइंट इन दिस ताकि आपको सब कुछ इजी तरीके से समझ में आ जाए तो सबसे पहले अनुज जो है इसके पास 506 हंड्रेड सिक्स परसेंट डिवेंचर्स है हंड्रेड ईच के और जिसका कॉस्ट है फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज इंटरेस्ट इज पेबल ऑन थर्टी जून एंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर एवरी ईयर तो थर्टी जून और थर्टी फर्स्ट डिसम्बर मतलब इंटरेस्ट जो है दैट इज पेड हाफ ईयरली सो हाफ ईयरली हम क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सो क्वेश्चन में अगर हम पॉइंट देखें तो वी हैव परचेजेस हमारे पास तीन परचेज है और मैंने एक्स uh, इंटरेस्ट के ही कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में लिए हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो और मैंने सिर्फ एक ही सेल यहाँ पे लिया है सो so फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से है सो so फॉर्मेट हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ अनुज सिक्स परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सो so, वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो इसलिए मैंने डेट्स छोड़े डाल के रखे देखो कॉलम्स किस तरीके से है वी हैव कॉलम्स डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट सिमिलरली डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट सो वी कैन राइट फेस वैल्यू एज नॉमिनल वैल्यू ऑल्सो तो नॉमिनल वैल्यू करके भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे या फेस वैल्यू भी आप लिख सकते हो सो फेस वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट सिमिलरली फेस वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है दो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन थर्टी जून एंड थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर सो थर्टी जून एंड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट तो ये दो डेट्स के ऊपर पूरा कैलकुलेशन इस चैप्टर का है आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अनुज होल्ड्स फाइव हंड्रेड सिक्स परसेंट डिवेंचर्स ऑफ 100 इच एट अ कॉस्ट ऑफ फोर्टी एट थाउजेंड सो अनुज के पास फोर्टी एट थाउजेंड के कॉस्ट के पांच सौ डिवेंचर्स है जिसका फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज और इयर एंड है हमारा थर्टी फर्स्ट मार्च तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है सो ओपनिंग बैलेंस को मैं यहां पर लिखता हूँ डेबिट साइड हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड तो आई एम राइटिंग ओवर हियर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है काफी ईजी है देखो फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दैट कम्स टू फिफ्टी थाउजेंड सो हमारा फेस वैल्यू बनेगा फिफ्टी थाउजेंड ठीक है कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज फोर्टी एट थाउजेंड सो आई एम राइटिंग फोर्टी एट थाउजेंड ओवर हियर नाउ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट आपको क्या करना है देखो दो डेट्स मैंने ऊपर लिखे है अब यहाँ पे मैंने कौन सा डेट डाला है दिस इज फर्स्ट अप्रैल आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट अप्रैल के पहले आई रिपीट अगेन फर्स्ट अप्रैल के पहले इन दोनों डेट्स में से कौन सा डेट आता है आप बोलेंगे फर्स्ट अप्रैल के पहले सर फर्स्ट अप्रैल के पहले इन दोनों में से कौन सा डेट आएगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर जून मत बोलना क्यों? बिकॉज जून इज कमिंग आफ्टर फर्स्ट अप्रैल हमें यह चेक करना है कि प्रीवियस जो डेट है वो कौन सा है वहां से लेके हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट काउंट करने वाले सो फर्स्ट अप्रैल से पहले कौन सा आता है थर्टी फर्स्ट डिसंबर तो अभी हम थर्टी फर्स्ट डिसम्बर के बाद गिनेंगे जनवरी फेब्रुवरी एंड मार्च डू नॉट काउंट अप्रैल बिकॉज अप्रैल फर्स्ट है अगेन फिर से एक बार अप्रैल के पहले जून आता है कि डिसंबर आता है अप्रैल के बाद जून आएगा अप्रैल के पहले कौन सा डेट आता है इन दोनों में से इन दोनों में से ही कंपेयर करना है बिकॉज यही दो डेट्स है जो हमको इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट मिल रहा है सो so, अप्रैल के पहले क्या आता है इनमें से दिसंबर तो दिसंबर के बाद काउंट करेंगे जनवरी फेबरुअरी एंड मार्च लेट अस काउंट नीचे हम ब्रैकेट में मेंशन करता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए सो so, हमारा कैलकुलेशन कैसा है फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व ओके थ्री बाय ट्वेल्व आपका इंटरेस्ट है तो वो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट उस बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे सो so, फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर सिक्स परसेंट इंटरेस्ट तीन महीने का ढूंढना है तो कितना अमाउंट आएगा द अमाउंट विल बी सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज तो सात सौ पचास हमारा इंटरेस्ट आ चुका है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे फिर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट सो कैलकुलेशन ही आपको समझ में आना चाहिए अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें काफी ईजी हो जाएगी अप्रैल के बाद अभी डेट वाइज जाना है क्वेश्चन कैसा भी दिया हो हमें डेट वाइज जाना है अप्रैल के बाद अगला मंथ कौन सा आता है मे तो अभी आप चेक करो क्वेश्चन में क्या मे मंथ में कोई ट्रांजेक्शन दिया है सो so अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो वी डोंट हैव एनी ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ मे सो लेट अस मूव फर्दर मे के बाद कौन सा मंथ आता है जून क्या जून में कोई ट्रांजेक्शन दिया है तो आप देखो यहाँ पे जून में फर्स्ट जून को परचेस किया इन्होंने हंड्रेड यूनिट्स नाइनटी के रेट में एक्स इंटरेस्ट तो अभी परचेजेस याद रखना Purchases we are writing on the debit side of the ledger and sales we are going to write on the credit side of the ledger. तो so, अभी मैं purchases लिख रहा हूँ debit side में ठीक है तो चलो purchases के लिए हमको क्या दिक्कत से लिखना है तो जून फर्स्ट में परचेज है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट सो purchases टू बैंक अकाउंट सो सिंस वी आर परचेजिंग तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिखेंगे ठीक है चलो देखते हैं अभी कितने यूनिट्स परचेज़ किए इन्होंने हंड्रेड यूनिट्स हमारा फेस वैल्यू क्या था हमारा फेस वैल्यू सौ रुपया है एक डिवेंचर का प्राइस हंड्रेड है तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड दैट विल बी टेन थाउजेंड सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन थाउजेंड हंड्रेड इंटू हंड्रेड कितना टेन थाउजेंड ठीक है क्या रेट दिया है नाइन्टी सिक्स एक्स इंटरेस्ट तो हंड्रेड इंटू नाइन्टी सिक्स कितना हो जाएगा दैट विल बी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यहाँ लिख दिया मैंने अभी हम इंटरेस्ट गिनेंगे देखो इंटरेस्ट कैसे गिन रहा हो टेन थाउजेंड इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय देखो ये डेट कौन सा है ये डेट है जून फर्स्ट जून फर्स्ट के पहले इन दोनों में से कौन सा डेट आता है तो जून फर्स्ट के पहले भी इन दोनों में से थर्टी फर्स्ट ही आता है तो दिसंबर के बाद काउंट करेंगे जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मे कितने मंथ्स हुए फाइव मंथ्स हुए तो हम फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो टेन थाउजेंड इंटू सिक्सेंट इंटू फाइव डिवाइडेड्रेड एंड दो सौ पचास का आपका इंटरेस्ट परचेजेस पे आ चुका है ठीक है सो वी आर मूविंग डेट वाइज सो अप्रैल के बाद मे आता है मे के बाद क्या आता है जून आता है जून के बेसिस पे ध्यान रखना जून के लिए ये इंटरेस्ट है तो ये जो दो डेट्स है ये दो डेट्स को हमें इंटरेस्ट जो है दैट वी आर गोइंग टू रिसीव द इंटरेस्ट तो ये रिसीव्ड जो होगा ये हमारे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा वी विल बी ट्रांसफरिंग दिस ऑन द क्रेडिट साइड तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है टू जून थर्टी इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है यहाँ पे हमको लिखना है बाय बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट बेस वैल्यू डैश कॉस्ट डैश बिकॉज हम सिर्फ इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हमें क्या करना है वी हैव टू सी कि 30 जून तक हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स वी आर हैविंग इन हैंड हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड है सो so, वो कैसे ढूंढेंगे देखो सिंपल तरीका आप डेबिट साइड चेक करो यू कैन चेक द डेबिट साइड वी हैव 50,000 एज ओपनिंग बैलेंस एंड वी आर परचेसिंग टेन थाउजेंड एज द परचेज तो पचास हजार और ये दस हजार कितना हुआ सिक्सटी थाउजेंड हो रहे तो so, अभी हम काउंट करेंगे इंटरेस्ट ठीक है अभी हमारे पास कितने इन्वेस्टमेंट्स है सिक्सटी थाउजेंड पे कितना परसेंट इंटरेस्ट का सिक्स परसेंट और कंपनी साल में कितने बार इंटरेस्ट दे रहे हैं दो बार मतलब सिक्स मंथस तो सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ठीक है इफ कंपनी इज पेइंग टू टाइम्स इंटरेस्ट दैट इज हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है हम छे महीने का इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर सिक्स परसेंट आप काउंट करो फॉर सिक्स मंथ्स तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा एंड दैट इंटरेस्ट विल बी वन थाउजेंड एट हंड्रेड इतना आपको क्लियर रहे सिंपल चीज याद रखना ओनली वी विल बी कैलकुलेटिंग एज पर द मंथ्स हम मंथ वाइज जाएंगे अप्रैल में मैंने देखा ट्रांजेक्शन था मे में मैंने देखा ट्रांजेक्शन नहीं जून में मैंने देखा ट्रांजेक्शन है परचेस फिर जून थर्टी को इंटरेस्ट अभी जुलाई देखते हैं सो so, चेक करो क्वेश्चन डू वी हैव एनी कैलकुलेशन रिलेटेड टू जुलाई सो वी डोंट हैव एनी पॉइंट रिलेटेड टू जुलाई तो छोड़ दो जुलाई के बाद अगला मंथ कौन सा आएगा ऑगस्ट डू वी हैव एनी ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट नो वी आर नॉट हैविंग नेक्स्ट मूव फर्दर उसके बाद सप्टें्बर सप्टेंबर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है सीधा हमारे पास अक्टूबर का ट्रांजेक्शन आ रहा है अक्टूबर में फिर से परचेस किया 98 के रेट में एक्स इंटरेस्ट तो अगेन हम डेबिट साइड लिखेंगे यहाँ पे अक्टूबर फर्स्ट क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ओके चलो आगे बढ़ते हैं कैसे कैलकुलेशन है कितने यूनिट्स परचेस किए टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड दैट विल बी ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है टू हंड्रेड इंटू नाइंटी एट नाइनटी एट का रेट था तो टू हंड्रेड इंटू नाइनटी एट विल बी नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइन चलो अभी इंटरेस्ट गिनने का है, ये ध्यान से समझना इंटरेस्ट गिनना अगर एक बार आपको आ गया है, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी है इस चैप्टर से रिलेटेड अक्टूबर फर्स्ट अभी यहाँ पे डेट देखो ध्यान से अक्टूबर फर्स्ट को परचेस किया है अक्टोबर फर्स्ट के पहले जून आता है कि दिसंबर आता है तो अक्टूबर फर्स्ट के पहले जून आएगा मतलब अक्टूबर महीने से पहले इन दोनों डेट्स में से कौन सा डेट आने वाला है आप बोलेंगे दिसंबर तो दिसंबर तो अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा उसके बाद दिसंबर हमें क्या करना है कि जो डेट हम लिख रहे हैं उसके पहले इन दोनों में से कौन सा डेट आता है वो देखना है सो अक्टूबर फर्स्ट के पहले वी गए थर्टी जून को इंटरेस्ट मिला था तो जून के बाद काउंट करता हूँ ध्यान से जुलाई ऑगस्ट सप्टेंबर और अक्टूबर नहीं गिनना है फर्स्ट अक्टूबर तो देखो कैसे जून जु, के बाद काउंट करेंगे जुलाई ऑगस्ट सप्टेंबर सो हाउ मेनी हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट थ्री मंथ्स इंटरेस्ट तो यहाँ हमें लिखना है थ्री महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व तो तीन महीने का इंटरेस्ट आपको काउंट करना है सो ट्वेंटी थाउजेंड पे सिक्स मंथ्स सिक्स परसेंट थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट दैट विल बी थ्री हंड्रेड तो तीन सौ रुपया हमारा इंटरेस्ट है इट्स वेरी इजी इट्स ओनली कैलकुलेटिव यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स और हमें एक चीज़ ध्यान से याद रखनी है कि हमें डेट वाइज जाना है फाइन तो चलो परचेस का एंट्री हो गया अक्टूबर हो गया अक्टूबर के बाद अगले अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं नवंबर नवंबर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है नवंबर के बाद अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं डिसंबर डिसम्बर में दो ट्रांजेक्शन होंगे एक हमारा परचेज दिया है ऊपर लास्ट वाला परचेज देखो और दूसरा हमारा इंटरेस्ट का होगा सो so, पहले क्या हम क्या करेंगे पहले हम फो, पहले फर्स्ट दिसंबर आता है फिर थर्टी फर्स्ट डिसंबर आता है राइट फर्स्ट दिसंबर को हमने कितने परचेस किए फिफ्टी यूनिट्स परचेज किए तो आई एम राइटिंग ऑन द डेबिट साइड नाउ सो चेक करते हैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट ठीक है टू बैंक अकाउंट कितना परचेज किया हमने वन तो वन फिफ्टी दैट इज फिफ्टीन नेक्स्ट वन फिफ्टी का रेट क्या था देखते एक बार रेट क्या था वन फिफ्टी का रेट है नाइन्टी सेवन तो वन फिफ्टी इंटू सेवन आपको करना है वन फिफ्टी इंटू नाइनटी सेवन दैट इज फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ओके अभी हम गिनेंगे इंटरेस्ट ध्यान से देखना इंटरेस्ट कैसे गिन रहा हूँ डिसम्बर फर्स्ट के पहले इन दोनों में से कौन सा डेट आता है जून ही आएगा जून से काउंट करेंगे आगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हाउ मेनी मंथ्स फाइव मंथ्स सो so, अभी हम इसके ऊपर फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट गिनेंगे फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय फाइव बाय ट्वेल्व फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट आपको गिनना है पंद्रह हज़ार रुपये सो फिफ्टीन थाउजेंड ये इंटरेस्ट कितना आएगा दिस इंटरेस्ट विल कम थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज ओके आई होप कि इतना आपको क्लियर है सिंपल वे से हम जा रहे हैं हम एक्स इंटरेस्ट के ही आज सीखेंगे फिर अगले लेक्चर में मैं आपको कम इंटरेस्ट का भी बता दूंगा किस तरीके से उसका वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करना है फाइन चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट सो फर्स्ट दिसंबर के बाद अभी आएगा थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर में हमारा क्रेडिट साइड एंट्री क्या था हमारा एंट्री बाय बैंक अकाउंट वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट नाउ सो बाय बैंक अकाउंट पहला काम फेस वैल्यू डैश कॉस्ट में डैश अभी हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ठीक है देखो अभी कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे सभी इन्वेस्टमेंट्स को यू हैव टू एड इट फिफ्टी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड इज सिक्सटी सिक्सटी प्लस ट्वेंटी इज एटी एटी प्लस फिफ्टीन ज नाइन्टी फाइव थाउजेंड सो नाइनटी फाइव थाउजेंड पे हम काउंट करेंगे आपको और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट गिनना हैलकुलेट सिक्स मंथ इंटरेस्ट एंड दैट विल बी टू एट फाइव जीरो इंटरेस्ट आता है टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज दिस इज द इंटरेस्ट तो आपको ध्यान रखना है वी आर गोइंग एज पर द मंथ मंथ वाइज कैलकुलेशन आपको करना है जैसा आपका मंथ रहेगा वैसा हम कैलकुलेशन करेंगे वी स्टार्टेड फ्रॉम अप्रिल और अभी हम डिसम्बर तक आ चुके हैं आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में जाएंगे सो so डिसम्बर हो चुका है मतलब दो बार इंटरेस्ट का एंट्री भी हो चुका है अब आया सेल्स फर्स्ट फेब्रुआवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट नाइन्टी एट एक्स इंटरेस्ट तो वॉट इज द प्रॉब्लम विथ सेल सो वेन एवर वी आर सेलिंग एनीथिंग वी एक्सपेक्ट दैट कि हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें कुछ कैल्कुलेशन करने पड़ेंगे आइए सीखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करने तो जब कभी भी आपके पास सेल आएगा और वो एक्स इंटरेस्ट होगा तो आपको दो कैलकुलेशंस करने हैं दो वर्किंग नोट प्रिपेयर करके कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही हम पोस्टिंग करेंगे पहले पोस्टिंग नहीं करना है वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सो so, मैंने सिर्फ डेट डाल के रखा था ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली सेल कब है तो so, सबसे पहले आपको क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर लिखे थे वही मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ कॉलम्स है पर्टिकुलर फेस वैल्यू और कॉस्ट ठीक है हम यहाँ से शुरू करेंगे ओपनिंग बैलेंस से तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था ओपनिंग बैलेंस हमारा फिफ्टी थाउजेंड एक बार लिख लेता हूँ फिर आपको कैलकुलेशंस बताता हूँ फिफ्टी थाउजेंड एंड कॉस्ट हमारा उसका फोर्टी एट थाउजेंड आई एम कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली देन जितने भी हमारे परचेजेस थे चेक कर लेना एक बार देखो ये डेबिट साइड में जो भी है फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड टेन थाउजेंड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड नाइनटीन सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं सिर्फ याद रखना परचेजेस को प्लस करना है और सेल को माइनस करना है तो एड परचेज ठीक है फर्स्ट परचेज हमने किया दैट वॉज टेन थाउजेंड एंड द वैल्यू वॉज कॉस्ट इज नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर से एड परचेज कितना था दैट वॉज सेकेंड परचेज ट्वेंटी थाउजेंड एंड नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड देन अगेन एड परचेज दैट वॉज फिफ्टीन थाउजेंड एंड फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ठीक है देखो अभी किस तरीके से करना है अभी इन सभी को हमें क्या करना है वी हेव टू एड दिस तो एड करोगे तो आपको मिल जाएगा बैलेंस सभी को ऐड करेंगे अभी हमने ऐड किया था तो हमें नाइन्टी फाइव थाउजेंड आया था कॉस्ट को आपको ऐड करना है एंड दिस कम्स टू नाइंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सो वॉट एवर आई है क्वेश्चन सेम ओवर हियर अब हमें इसके बाद क्या करना है अभी हमें इसके बाद लिखना है लेस सेल ठीक है एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन में सेल कितना दिया है तो सेल दिया है टू हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट नाइन एट एक्स इंटरेस्ट ध्यान रखना हमें यहां पे फेस वैल्यू लिखना है क्या है हमारा फेस वैल्यू हंड्रेड तो कैसे आएगा टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड दिल बी ट्वेंटी थाउजेंड सो ट्वेंटी थाउजेंड लिखने के बाद अभी सिली मिस्टेक यहां पे क्या होती है टू हंड्रेड को नाइनटी एट से मल्टीप्लाई करते हैं वैसा नहीं करना है देखो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं ध्यान से समझना इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई नाइन्टीन फिफ्टी डिड बाई नॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइडीट दाइन थ्री वन सिक्स ओके वन नाइन थ्री वन सिक्स दिस इज योअर कैल्कुलेशन सो ये हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट मिली अभी हम लास्ट में लिखेंगे बैलेंस क्या करना है 95000 में से 20000 माइनस करना है यू विल गेट 75000 91750 में से 19316 माइनस करना है यू विल गेट 72434 दैट्स इट वर्किंग नोट हमारा हो चुका है इसको हम क्लोज कर देते हैं ठीक है ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट है दूसरा वर्किंग नोट हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढने का सो so, अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना ही पड़ेगा सो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करेंगे सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट माइनस करेंगे तो देखेंगे प्रॉफिट आता है कि लॉस देखो कॉस्ट तो आपने अभी कैलकुलेट कर लिया ये आंसर है हमारे पास वन नाइन थ्री वन सिक्स दिस इज द कॉस्ट सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढेंगे देखो क्वेश्चन में दिया था टू हंड्रेड यूनिट बेचा कौन से रेट में सेल किया है चेक कर लेते एक बार सो so, 98 एट के रेट में सेल किया है तो टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी एट सो टू हंड्रेड इंटू नाइनटी एट इफ यू डू एज सेलिंग प्राइस दैट इज नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सो नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट इज नाइनटीन थ्री वन सिक्स तो सेलिंग प्राइस इज मोर हैंस वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट सो हमें प्रॉफिट मिल रहा है इस क्वेश्चन में टू हंड्रेड एंड एटी फोर अब रिमेंबर इतना कैलकुलेट करने के बाद पोस्टिंग हम सिर्फ पोस्टिंग सेलिंग प्राइस का करेंगे और प्रॉफिट का करेंगे ये कॉस्ट का पोस्टिंग हमें नहीं करना है बिकॉज दिस इज ओनली वेटेड एवरेज कॉस्ट तो सेल्स कहा रिकॉर्ड होता है सेल्स रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड आई हेव रिकॉर्डेड ऑलरेडी द डेट यहां पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट परचेस किया तो डेबिट साइड सेल किया तो क्रेडिट साइड फेस वैल्यू कितना होगा फेस वैल्यू दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड में में क्या लिखना है? Cost में हमको लिखना है? है हमको हमारी selling price. तो selling price हमारी? तो कितनी थी पे पे मैं ऊपर लिख लेता हूं, selling price. यहां पे गलती से भी ये कॉस्ट मत लिख देना वन नाइन थ्री वन सिक्स दिस इज ओनली फॉर ओनली फॉर द परपज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस इन अवर फॉरमेट ठीक है अब प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था तो प्रॉफिट था टू एटी फोर वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश कॉस्ट कॉलम में ही हमें लिखना है तो कितने का प्रॉफिट था टू हंड्रेड एंड एटी फोर का प्रॉफिट है सो so, प्रॉफिट हमने लिखा यही क्वेश्चन में अगर लॉस होता तो हम इसको क्रेडिट साइड लिख देते ठीक है चलो आगे बढ़ते फिर सारे पॉइंट हो चुके हैं अब क्या करना है अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सो so, सेल करेंगे तो इसका इंटरेस्ट बाकी है सो so, अभी इंटरेस्ट गिनते हैं ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाइड सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय देखो फेब्रुवरी फर्स्ट फेब फर्स्ट के पहले इन दोनों डेट्स में से कौन सा डेट आता है इन दोनों डेट्स में से आता है थर्टी फर्स्ट सो थर्टी फर्स्ट के बाद गिनते जनवरी और फेब्रुवरी नहीं गिनेंगे फर्स्ट है तो एक मंथ तो एक महीने का इंटरेस्ट आपको गिनना है सो वन मंथ का इंटरेस्ट ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर कितना मिलेगा वन मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा हंड्रेड रुपीज ठीक है सो ऑल दी ट्रांजेक्शन वी हैव डन एंड सारे ट्रांजेक्शन होने के बाद हमें क्या करना है इसको क्लोज करना है ठीक है तो सबसे पहले डेबिट साइड से शुरू करेंगे फेस वैल्यू कॉलम का टोटल आपको करना है फेस वैल्यू कॉलम का टोटल इज नाइन्टी फाइव थाउजेंड इस नाइन्टी फाइव थाउजेंड को मैं दोनों साइड लिखूंगा नाइनटी फाइव थाउजेंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड में से ट्वेंटी थाउजेंड अगर हम माइनस करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा दैट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन ओके सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद कॉस्ट क्लोज करना है तो कॉस्ट का टोटल करते हैं कॉस्ट का इंटरेस्ट लास्ट में क्लोज कर रहे नाइन्टी टू थाउजेंड थर्टी फोर नाइन्टी टू थाउजेंड थर्टी फोर देन इसमें से ये सारे माइनस करने 19,600 हैं नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिडक्ट करोगे सो विल गेट द सेवेंटी टू थाउजेंड 434. So this is the सो दिस इज is फेस वैल्यू दिस इज have got. वी हैव गॉट अब हमें क्या करना है इसके ऊपर इंटरेस्ट गिनना है देखो इंटरेस्ट. ओपनिंग बैलेंस थ्री मंथ्स है तो क्लोजिंग बैलेंस पे भी थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई सिक्स परसेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय ट्वेल्व सो दैट कम्स टू वन वन टू फाइव देन अभी आपको इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल करना है तो दिस कम्स टू फाइव एट सेवन फाइव फाइव एट सेवन फाइव सो बैलेंसिंग फिगर इज इन द इंटरेस्ट कॉलम यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दिस इज द कैलकुलेशन विच वी हैव डन टूडे सो आई होप कि आपका एक क्वेश्चन नंबर वन जो हमने सॉल्व किया है वो क्लियर होगा सो so, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर ले अटिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर